नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। एसीपी नेटवर्क के टॉप 5 में आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के 11वें दिन 5 राज्यों में 194 स्तरों में लगभग 5,615 लोगों का टीकाकरण हुआ। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक कुल मिलाकर करीब 30 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा कर्नाटक में 2.5 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित परेड में भावना भारतीय वायुसेना की उस झांकी का हिस्सा थी, जिसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, Sukhoi-30 जैसे मॉडल प्रदर्शित किए गए थे। झांकी में भावना के साथ 3 अन्य पुरुष पायलट भी मौजूद थे। भावना भारतीय वायुसेना में जून 2016 में शामिल हुई थी। किसानों के ट्रैक्टर परेड में मचे उत्पाद के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और मंगलवार को राजधानी में किसानों के को ट्रैक्टर परेड के मामले में 22 FIR दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे 6,000 ट्रैक्टर सिंगू बॉर्डर सीमा पर थे। नई दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। इसी बीच ममता सरकार ने बंगाल विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुधवार को बुलाया है। इस सत्र में ममता सरकार केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी, जिसमें नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपील करेगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी में तीसरे टेस्ट के दौरान हुए नस्ल भेदी दुर्व्यवहार में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ICC को रिपोर्ट सौंप दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में कहा है कि वो सिडनी में भारतीय खिलाड़ियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दर्शकों को पहचान नहीं पाए हैं। अभी तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ACP नेटवर्क पानीपत। धन्यवाद।